और ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से वाश करके रख ली हूँ, और इसको बेसन और मसाला डाल के लगा के इसमें और उबालने के लिए बैठाऊंगी। और ये देखिए 2 चम्मच में बेसन ले रही हूँ, थोड़ा सा इधर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, सब मरीची, नमक डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिलाऊंगी। और ये देखिए मैं इसका डंठी काट रही हूँ। और ये देखिए इसमें बेसन लगा के अच्छी तरह से लपेटो, इसमें और पत्ता डाल के। और ये देखिए मेरा एक पीस तैयार हो गया। अब इसको देखिए, इसको अच्छी तरह से मैं धागे से बांध रही हूँ। और ये देखिए अब मैं पानी रख रही हूँ उबालने के लिए। ये देखिए मेरा पानी खौलने लगा, अब इसमें डालूंगी इसको। और इसको अच्छी तरह से ढक रही हूँ 2 मिनट खोलने के लिए। देखिए मेरा अच्छी तरह से खोल गया है, मेरा अरबी का पत्ता उबल गया। अब इसको काट रही हूँ, ठंडा हो गया है तो। ये देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें तेल डाल रही हूँ। और ये देखिए इसमें मैं बेसन डाल चुकी हूँ और चावल का आटा डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मरीच जीरा, थोड़ा सा नमक, पानी डाल के अच्छी तरह से मैं इसको मिला लूँगी। और ये देखिए अब मेरा घोल तैयार हो गया है, इसमें डाल के और अरबी के पत्ते को तलूंगी। और ये देखिए मैं इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। इसको मैं पलट रही हूँ। अब मेरा अरबी का पत्ता तल से तैयार हो गया है, इसको निकाल रही हूँ। फिर मेरा तेल गर्म हो गया, इसमें फोरन डाल रही हूँ, तेज पत्ता, लाल मिर्च और जीरा, थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, थोड़ा सा सलाह रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ, थोड़ा नमक डाल रही हूँ। थोड़ा मसाला डाल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, मरीच जीरा, धनिया पाउडर, लहसुन का पेस्ट पीस के रखी थी वही डाल रही हूँ। और ये देखिए मेरा मसाला अच्छी तरह से भिजा गया, इसमें बस पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा
गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा कश्मीर मिर्च अच्छा स्वाद और कलर आने के लिए। और अब इसको ढक रही हूँ, फूलने लगेगा तब इसमें अरबी का पत्ता डालूंगी। और ये देखिए मेरा अरबी के पत्ते का सब्जी तैयार हो गया है।